अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स जो फेडरल प्रोसेस कमीशन में पहली मरतबा अप्लाई कर रहे होते हैं तो उनको ये मालूम नहीं होता कि हम चालान जो है जो पे करना है वो कहाँ से डाउनलोड करें और उसको किस तरह फिल करें। अभी भी काफ़ी सारी क्यूरीज जो हैं मेरे पास आई हैं और इस वजह से मैं आज जो है इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ डिटेल में। तो आपको इसमें बताऊँगा कि आपने किस तरह जो है चालान को डाउनलोड करना है फेडरल प्रोसेस कमीशन की वेबसाइट से। ये डेस्कटॉप पे, अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने किस तरह डाउनलोड करना है उसके लिए ये है। अगर मोबाइल पे आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर तरीक़ेकार तो यही है, मगर जो व्यू होता है वो थोड़ा डिफरेंट व्यू होता है वेबसाइट का। तो उसके लिए फिर इंशाल्लाह मैं अलग से जो है वीडियो बनाऊँगा, उसको भी आप इस वीडियो की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर लिंक जो है मैं दे रहा हूँ, वहाँ पर क्लिक करके उसको भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम कोई भी ब्राउज़र जो है अपनी जो लैपटॉप में या डेस्कटॉप पे वहाँ पे खोलेंगे और वहाँ सर्च में जाके फेडरल प्रोसेस कमीशन जो है वो लिखेंगे, जिस तरह अभी लिखा हुआ है यहाँ पे इस तरह। फिर हम इंटर करेंगे तो बिल्कुल टॉप पे देख रहे हैं आप फेडरल प्रोसेस कमीशन की वेबसाइट आ रही है, और आपने जो है यहाँ पर फेडरल प्रोसेस कमीशन की जो वेबसाइट आ रही है यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, तो इस तरह फेडरल प्रोसेस कमीशन की वेबसाइट जो है खुल जाएगी। ये देखें ऊपर लिखा हुआ है FPSC। अब यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे आपके अपने डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे यहाँ पे डाउनलोड्स का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड्स पे आप क्लिक करेंगे तो फिर जो है आपके पास इस तरह जो है फॉर्म्स एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हैं आ जाएंगी। आपने क्या करना है, फॉर्म्स जो हैं वहाँ पर ये देखें यहाँ पर फॉर्म्स लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है आपने। ठीक है, ये यहाँ पे फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे तो फिर इस तरह के मुख्तलिफ फॉर्म्स जो हैं आपके पास आ जाएंगे। और बिल्कुल टॉप पे लिखा हुआ है चालान फॉर्म रिक्रूटमेंट टू BA 16 एंड अबव, यानी 16 ग्रेड और उससे ऊपर की जो पोस्ट हैं उनके लिए जो चालान फॉर्म है उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे आप तो फिर इस तरह जो है ये वेबसाइट पर खुल जाएगा। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है अटैचमेंट। ठीक है, ये चालान की अटैचमेंट है यहाँ पे, ये यहाँ मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये देखें, इस पर क्लिक करेंगे आप तो इस तरह जो है चालान जो है आपके पास आ जाएगा। फिर आप इसका प्रिंट निकालेंगे और इसको फिल करेंगे और बैंक जाके स्टेट बैंक या नेशनल बैंक जाके आपने ये जमा करवाना पड़ेगा, और ये जो है फिर आपका जमा हो जाएगा। और इसका चालान नंबर जो होता है हम वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होती है वहाँ पर हम सबमिट करते हैं। इसके अलावा कोई भी प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं फेडरल प्रोसेस कमीशन में किसी भी पोस्ट के लिए तो आप हमारे एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपना नंबर जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।